पढ़ाए थे मोटे बिंदु एवं मोटे डैश का प्रयोग, अब है हल्के बिंदु और हल्के डैश का प्रयोग। नियम एक ही है, मात्रा चेंज हुआ है। उसमें था मोटा बिंदा से अ था, इसमें हल्का बिंदा से ऐ है। ये दो ठो वाला जो एकार होता है वो दूसरे स्थान में ओ है, ये दो ठो वाला। तीसरे स्थान में हर्षिकार है, जो लिखाता पहले है उच्चारण इसका बाद में होता है। पहले स्थान में हल्का डैश का उच्चारण होता है आई, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ये हो गया आई। दूसरे स्थान में है अंग, अंगस्वार का। तीसरे स्थान में है हर्षौ, इधर वाला। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, जैसे कि ये लिखते हैं ऐ ना क ऐनक, तो न और क दो व्यंजन है इसमें। अब न के पहले ऐ का है, तो पहले तो बताए थे कि परी रेखा में ऊपर है, तो न के पहले और प्रथम स्थान में हल्का बिंदा देंगे, ये हो गया ऐ न क ऐनक। इसको लिखते हैं बैग, तो इसमें ब और ग दो लेटर है। ब के बाद है ऐकार का उच्चारण, तो स्थान वही रहेगा, केवल भाग चेंज हो गया। यहाँ पहले था तो ऊपर पहले दिए, और यहाँ ब के बाद ऐकार है तो ब के बाद ऐकार पड़ गया, ये हो गया बैग। दूसरे स्थान में है औ, जैसे लिखते हैं औ सत औसत, तो इसमें दो लेटर है स और त। औ जो है स के बाईं ओर है, बाईं ओर इसका स्थान दूसरे स्थान में है, दूसरे स्थान में दे दिए, ये हो गया औसत। अब इसको लिखते हैं सौतन, तो इसमें स त और न, स के बाद औकार का उच्चारण आ रहा है, स के बाद दे दिए, ये हो गया स औकार त न सौतन। तीसरे स्थान में हर्षिकार, जैसे लिखते हैं किस, स लिख दिए, स के बाईं ओर है और स्थान इसका तीसरा है, स्थान तीसरे में दे दिए, ये हो गया इस। अगर इसको लिखते हैं सिर, तो इसमें दो लेटर है स और र, लिखा हुआ है पहले लेकिन उच्चारण हम स के बाद करते हैं, इसका है स जोड़ ई जोड़ र, यानी ये र के पहले आ गया, तीसरे स्थान का मात्रा है, तो र का तीसरा स्थान यहाँ आ रहा है, र के पहले है बाईं ओर, र के बाईं ओर दे दिए, ये हो गया स ई का र सिर। अब है डैश का, जैसे लिखते हैं कमाई, तो म के बाद आई आ गया, कमजोर आई कमाई, तो ये क और म लिख दिए, म के बाद आई आ रहा है, आई डाल दिए, ये हो गया कमाई। अगर लिखते हैं आइस, तो यहाँ सिंगल लेटर है सौ, सौ को लिख दिए, सौ के पहले आई आ रहा है, सौ के पहले आई डाल दिए, ये होगा आई और सौ आइस। दूसरे स्थान में है अंग, जैसे ये लिखते हैं पंख, तो प और ख दो लेटर है, प के बाद अंगस्वार आ रहा है, तो अंगस्वार दूसरे स्थान में डाल दिए, ये हो गया पंख। अगर लिखते हैं ये अपंग, तो इसमें दो मात्रा है, प और ग तो लिख दिए, अ पहले है, प के पहले मोटा बिंदा दे दिए, ये हो गया अ प, प के बाद अंगस्वार है, ये अंगस्वार दे दिए, ये हो गया अ प अंगस्वार ग अपंग। तीसरे स्थान में है हर्षुकार, उ स र उसर, इसमें दो लेटर है स और र, स के पहले है तो स का तीसरा स्थान यहाँ आ रहा है, स के पहले ये डाल दिए, उ स र उसर। इसी को अगर लिखते हैं सुर, तो ये स और र हो गया, स उ र, यानी र के पहले ये आ गया, र के पहले ये डाल दिए, ये हो गया स उ और र सुर। इसको लिखते हैं कुसुम, तो दोनों पे है मात्रा, तो क लिख दिए, स लिख दिए और म लिख दिए, अब क के बाद उकार है तब स है, यानी स के पहले उ को डाल दिए, फिर स के बाद उकार है तब म है, यानी म के पहले उकार डाल दिए, ये हो गया क उकार स उकार म कुसुम।
नियम वही है, केवल मात्रा चेंज हुआ है। इस मात्रा को सही ढंग से याद कर लो, फिर इसको बना लो। पंख एक इस तरह से लिखे थे, लेकिन एक तरह से और लिख सकते हैं पख। ये अगर अ के जगह पर जीरो डालेंगे तो ये हो गया पंख, और अगर एकार के साथ है पेंच तो प और च लिख दिए, एकार ये देते हैं तो एकार पेच हो जाएगा। इसको अगर जीरो बना देते हैं तो एकार अंतर दोनों हो जाता है। अगर लिखते हैं खींच, ये इकार के साथ है तो ख और च लिख दिए, अब ये इकार यहाँ देते हैं तो खींच होगा, इसको जीरो बना देंगे तो ये खींच हो जाएगा। ये बिंदा के साथ है और डैश के साथ है, जैसे ये लिखते हैं पाँच, तो प और च ये लिखेंगे तो पाँच होगा, इसके ऊपर जीरो डाल दिए तो ये हो गया आकार और चांद बिंदु। अगर ये लिखते हैं चोंच, च और च लिख दिए, ओकार दिए तो चोंच हो गया, जीरो डाल दिए चोंच हो गया। और तीसरे स्थान में है जैसे कि बूंद, तो ब न और दौर भी लिख सकते हैं, ओकार दे दिए बूंद, ये भी हो सकता है, लेकिन ब और दौर ये डाल देंगे जीरो, ये भी ओकार और चांद बिंदु दोनों हो गया। बस।